हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए इन्फोसिस लिमिटेड, अगर आप इस शेयर को जानते होंगे तो फिर आप समझते भी होंगे, क्योंकि ये शेयर है ही कुछ खास। इन्फोसिस लिमिटेड आईटी सेक्टर की अगर बात करें, जहाँ पे टीसीएस राजा है तो इन्फोसिस सेनापति है, ये मान के चलिए। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आईटी सेक्टर, खास करके सर्विसेज की दुनिया में। और यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ जो सामने निकल के आ रही है इन्फोसिस में, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, साथ में इन्फोसिस के बारे में टेक्निकली और फंडामेंटली कि भाई कहाँ पे टेक्निकल लेवल्स क्या बता रहे हैं इन्फोसिस के शेयर के बारे में, उसको भी जानते हैं। और अगर आपके पास ये शेयर है या फिर आप खरीदना चाहते हैं शेयर को, तो आपको ज़रूर समझना चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है इन्फोसिस की दुनिया में। तो देखिए, ये सीधे लेके चल रहा हूँ मैं आपको इन्फोसिस के, इन्फोसिस लिमिटेड। अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूँ तो 3 लाख करोड़ के पार है, जो कि अपने आप में सबसे बढ़िया बात है। इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन होना, 3 लाख। अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो 774 का प्राइस है। प्राइस थोड़ा सा मुझे ऊपर लगता है प्राइस का अभी के टाइम पे, और पी की बात करूँ तो 21 के पी पे ट्रेड करता है। इस स्टॉक की जो मुझे सबसे खास बात लगती है, 0 डेट की कंपनी है, कोई पैसा चाहिए नहीं, पैसा खूब है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% है, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 23 से 24% है, और सेल्स ग्रोथ 10% के आसपास है। बढ़िया डिविडेंड देता है, टाइम टू टाइम बोनस देता है इन्फोसिस। प्रोमोटर होल्डिंग 13% के आसपास है, और बड़े बड़े शेयर होल्डर इसमें अलग से बाहर से इन्वेस्ट किए हुए हैं। देखिए, फेस वैल्यू 5 के आसपास है और अर्निंग पर शेयर 36 रुपये के आसपास है। चलिए, प्राइस तो इतना है, लेकिन अगर आप इसकी इंट्रिंजिक वैल्यू देखें तो 1600-1700 के आसपास है। अब इस स्टॉक की तरफ मूवमेंट करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। अब इन्फोसिस का अगर मैं बात करूँ पीयर ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया कि टीसीएस इस सेगमेंट में पीक पे रहता है। टीसीएस देखिए 8,10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और वहीं पर विप्रो की देखिए तो विप्रो देखिए 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फिर HCL टेक्नोलॉजीज, तो यही दो बड़े प्लेयर हैं। अगर देखा जाए तो ये चार कंपनीज, विप्रो, HCL, TCS, इन्फोसिस, ये चार कंपनीज मेजर रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। बाकी फिर और भी कंपनीज है, जैसे टेक महिंद्रा, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, एम्फोसिस, ये और भी कंपनीज है, और बाकी छोटे प्लेयर्स हैं। मेनली ये 6-7 प्लेयर्स हैं जो बहुत बड़े हैं, और इन 6-7 में से दो या चार प्लेयर ये बहुत सबसे बड़े प्लेयर हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, आप खुद देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इन्फोसिस का रिजल्ट किस तरीके से। अगर क्वार्टर की बात करें, जून क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस दिखाई थी, तो जो प्रॉफिट दिखाया था वो ऑलमोस्ट 3800 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, तो प्रॉफिट तो बढ़िया दिखाया था। और लेकिन यहाँ पे सेल्स थोड़ा सा कंसिस्टेंट रही थी, एकदम बढ़ी नहीं थी, खास करके मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में, जून क्वार्टर के कंपैरिजन में तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सेल्स की फिगर भी। लेकिन अगर पूरे साल का डिटेल देखा जाए तो मार्च 2019 में 15,404 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जो कि ये नेट प्रॉफिट था, जो कि मार्च 2018 से थोड़ा सा कम था, लेकिन फिर भी औसम मैं कहूँगा। और लास्ट 12 महीनों का प्रॉफिट जो है वो 15,591 करोड़ का देखने को मिल रहा है। चलिए, ये तो सारी चीज़ें ठीक है। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन, जो मेन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है। देखिए आप, जो इन्फोसिस को तगड़ा झटका लगा है, वो झटका ये है कि जिस तरीके से म्यूचुअल फंड हाउसेस की नंबर्स आ रहे हैं बाहर, कि कौन से शेयर्स में खूब खरीदारी कर रखी है, और जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो जैसे कि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, गेल, HDFC बैंक, ITC, L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनमें बड़ी खरीदारी कर रखी है। लेकिन इन्फोसिस के लिए यहाँ पे बहुत बुरी जो खबर निकल के आई है वो ये है कि इन्फोसिस में बहुत सारे फंड हाउसेस ने यहाँ पे बिकवाली करी है, उसमें इन्फोसिस के शेयर्स को ऑफलोड किया, बेच के निकले हैं। तो ये इन्फोसिस के लिए एक, मैं कहूँगा, बुरी खबर है, लेकिन उन लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, अगर शेयर में करेक्शन आता है तो उनके लिए एक बढ़िया मौका है, और या फिर जो शॉर्टिंग करते हैं तो उनके लिए भी बढ़िया मौका है, जो बेच के कमाते हैं उनके लिए भी बढ़िया मौका है। तो देखिए यहाँ पे कितने करोड़ का जो इन्फोसिस के शेयर्स बेचे गए, तो फंड मैनेजर्स ने 630 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं इन्फोसिस, 630 करोड़ ऑफलोडेड रुपीज़, 630 करोड़। देखिए बहुत बड़ा अमाउंट ये है। और अगर आप देखें, ओवरऑल देखें, जो जहाँ पे शेयर्स बेचे गए हैं उन सबको लीड कर रहा है इन्फोसिस, ये नहीं कि खरीदारी वाले को लीड कर रहा है, ये जहाँ पे शेयर्स बेचे गए हैं तो सबसे ज़्यादा इन्फोसिस के शेयर्स बेचे हैं फंड हाउसेस ने, 630 करोड़ के। उसके बाद और भी कंपनीज है, जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी है, या फिर UPL है, माइंडट्री है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, लेकिन यहाँ पे बड़ी मात्रा में इन्फोसिस के शेयर्स बेचे गए हैं। फिलहाल अगर मैं इन्फोसिस की डिटेल आपको दिखाऊँ टेक्निकल लेवल पे, तो वो आपको काफ़ी पिक्चर क्लियर कर देगी। तो अगर आप इन्फोसिस के शेयर को देखें तो अप डाउन इस शेयर में चलता रहता है,
तो आप क्लियरली देखिए यहाँ पे स्टॉक जो है अपने टॉप पे है, अपने पीक पे है, तो यहाँ पे बिकवाली तो होनी ही थी। जिसकी जो चैनल है, प्राइस चैनल आप देख रहे हैं, तो ये स्टॉक, ये फंड मैनेजर्स बहुत देखते हैं। देखिए आप, अप डाउन मूव होता रहता है, जब नीचे के लेवल पे आता है तो बहुत खरीदारी होती है। जिस तरीके से यहाँ पे अक्टूबर नवंबर 2017 के आसपास बहुत खरीदारी हुई होगी, और ये शेयर देखिए आपको उस टाइम पे ये 440 के लेवल पे था, 440 400 की रेंज में यहाँ पे खूब खरीदारी हुई होगी। अब यहाँ पे पैसा उसने डबल कर दिया आपका, तो डबल करके आप निकल के प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने करी है, तो डेफिनेटली करेंगे। और ये नहीं कि आपने सारे शेयर बेच दिए। अब जिसके पास 400 करोड़ के शेयर है, उसने 100 करोड़ के बेच दिए, 300 करोड़ के रखे, तो इस तरीके से वो लोग अपना टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी निकालना है उनको, और बाकी शेयर्स में इन्वेस्ट भी करना है, तो वो करते हैं। क्योंकि पूरी स्ट्रैटेजीज के साथ प्लानिंग होती है इन सब चीज़ों की। फिलहाल अगर मैं इन्फोसिस का आपको डिटेल दिखाऊँ, तो देखिए किस तरीके से टेक्निकली मैं आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल टॉप पे है, और पीक पे आने के बाद यहाँ पे लाजमी है कि करेक्शन आने के चांसेस हैं, और लोग इस मोमेंट पे बेचते भी। आप देखिए बिल्कुल टॉप पे आने के बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो हाई हो रहा है, और अब बेच बेच के निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे करके स्टॉक इस तरीके से, इतनी बड़ी अगर सेलिंग होगी तो स्टॉक में करेक्शन आएगा। और इन्फोसिस का स्टॉक नो डाउट यहाँ पे पीक पे है, मुझे लगता है कि थोड़ा और करेक्शन आना चाहिए, और ये स्टॉक जब 600 650 की रेंज में, एक बढ़िया बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकता है 600 650 की रेंज में। और इतनी बड़ी गिरावट जब आती है, जिस तरीके से ये गिरावट 2016 से 17 के बीच में आई थी, तो ये बढ़िया, ये क्योंकि एक एक्सीलेंट क्वालिटी का स्टॉक, आपको यकीन नहीं होगा। टेक्निकल में जाने से पहले आप ये देखिए कितना डिविडेंड देता है, ये अल्टीमेट डिविडेंड देता है। इवन अभी 2019 में ये दो बार डिविडेंड दे चुका है, एक बार 10.5 रुपये का और एक बार 4 रुपये का। 2018 में देखिए कितना, एक बार 7 रुपये, एक बार 20.5 रुपये का डिविडेंड, तो डिविडेंड से माला माल करता है, और साथ में आपको इतना बढ़िया बोनस देता है। और अब तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार बोनस दे चुका है इन्फोसिस का शेयर, और सारे मोस्ट ऑफ द बोनसेस 1:1 है, और एक बोनस था जो 2004 में इसने दिया था जो 1:3:1 था, मतलब हर एक शेयर पे 3 शेयर का बोनस दिया था, ये उससे भी बढ़िया, 1:1 से भी बढ़िया। 2015 14 18 तीन बार तो अभी इसने बोनस दिया है, तो इस शेयर को आप कह सकते हो कि एक बोनस फैक्ट्री शेयर, इतनी बार बोनस देता है ये बोनस फैक्ट्री शेयर। और फिलहाल मैं आपको थोड़ा और डिटेल में टेक्निकल में लेके जाना चाहता हूँ। ये तो मैंने चार्ट देखा, और मुझे ये क्लियरली, अगर मैं आरएसआई की बात करूँ तो आरएसआई तो ऊपर है ही, और यहाँ पे स्टॉकिस्टिक आरएसआई आपको क्लियरली दिखा रहा है क्रॉसओवर आ चुका है, बुलिश क्रॉस बियरिश क्रॉसओवर आ रहा है, और स्टॉक नीचे की तरफ मूव कर सकता है। और अब यही नहीं रहेंगे, हम थोड़ा सा और नीचे पैटर्न पर चलेंगे, जो है हमारे पास डेली पैटर्न। डेली पैटर्न हमको और क्लैरिटी देता है। ऑल दो रिजल्ट के बाद इस स्टॉक ने एक बढ़िया बाउंस बैक दिखाया था, आप क्लियरली देख लीजिए। रिजल्ट के बाद 700 की रेंज में ये स्टॉक चलता था, अचानक ऊपर की रेंज में जा चुका था। और ऑल दो ये जो गैप डाउन पैटर्न है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्टर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन मुझे ये डर है अगर ये रेजिस्टेंस टूटा तो वापस ये निचले इन्हीं लेवल पर आ जाएगा, और एक बढ़िया रेंज है 650-700 के आसपास बाइंग के लिए, इसकी बढ़िया रेंज है। और अभी के टाइम पर यहाँ पर जिस तरीके से बड़ी बड़ी बड़े बड़े फंड हाउसेस कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है, और 630 करोड़ की, अब जैसे ये न्यूज़ आगे रिटेल इन्वेस्टर के पास भी जाएगी तो वो अब इंपॉर्टेंट। देखिए यार, यहाँ पे ये अगस्त चल रहा है, अगर मैं बात करूँ जुलाई की, ये अगस्त चल रहा है और लोगों ने जुलाई में सेलिंग स्टार्ट कर दी थी, ये जुलाई में सेलिंग कर दी गई थी जब ये अपनी पीक पे था। म्यूचुअल फंड हाउसेस ने यहाँ पे सेलिंग की है, देखिए इन रेंजेस में सेलिंग की है, इस जुलाई के रेंज में जब ये बिल्कुल पीक पे था और अपने रेजिस्टेंस लाइन को जोन, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लेट आती है, आपके तक लेट आई, मेरे पास लेट आई, तो मैंने आपको लेट बता पाया। तो यहाँ पे इन पीक्स पे देखिए सेलिंग की गई है, और डेफिनेटली ये पीक्स आप खुद देखिए जब अपर लाइन के पास है तो सेलिंग तो करेंगे करेंगे। अब धीरे धीरे करके ये रेंज कब थी जब उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, वो 800 की रेंज थी, अभी भी 25 रुपये ही नीचे है, तो 800 के आसपास काफ़ी सेलिंग, मतलब 780 से 790 800 के आसपास काफ़ी सेलिंग देखी गई है। यहाँ पे क्या होता है कि छोटे इन्वेस्टर्स यहाँ पे खरीद रहे होते हैं, तो ये काफ़ी उनको प्रॉफिट में बहुत लंबा होल्डिंग करना पड़ता है, और जितना लंबा होल्ड करेंगे तो पैसे का उतना कम फायदा हो पाता है। तो ये चीज़ क्लियरली देखने को मिली है कि यहाँ पे बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है, और ये अब देखिए उसके बाद बड़े बड़े रेड कैंडल्स। अब ये रेड कैंडल इस तरीके से अगर बनेंगे, आप देखिए इस हाई और इस हाई, फिर से इसने हाई बनाने की कोशिश करी, आरएसआई में भी क्लियरली वीकनेस देखने को मिल रही है। ऑल दो आप नो डाउट ये शेयर ऊपर जा सकता है, तो इन्हीं रेंज में से ही ये वापस आने की कोशिश कर सकता है फिर से। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि इन्फोसिस के शेयर में प्रॉफिट बुक ऑलरेडी कर चुके हैं बड़े फंड हाउसेस, और अब थोड़ा सा इंतजार करेंगे थोड़ा करेक्शन का। ऑलमोस्ट 700 की रेंज या फिर 650 की रेंज ये दोबारा से आपको एंट्री का मौका दे सकती है। फिलहाल अगर मैं इन्फोसिस का बोनस, जैसे मैंने आपको दिखाया इन्फोसिस का डिविडेंड दिखाया, हर तरीके से ये जबरदस्त शेयर है, और अभी अक्टूबर के टाइम फ्रेम में
फिर से ये एक डिविडेंड अनाउंस करता है। अगर जनरली देखा जाए तो 2017, 2018, 2016 तो अक्टूबर टाइम फ्रेम में एक और डिविडेंड इसका आता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक इंटरिम डिविडेंड जो दिया करता है। इन्फोसिस का अगर मैं शेयर होल्डिंग की बात करूँ तो जैसे नंदन नीलकारी जी का, एन आर नारायण मूर्ति जी का, ये बड़े शेयर होल्डर इसमें, सिबुलाल जी ये बड़े शेयर होल्डर है। और अगर आप इसमें बड़े प्रोमोटर्स देखें तो कौन है बड़े प्रोमोटर, जैसे डच बैंक ये कंपनी है, ये देखिए कितने शेयर्स है इसके पास, 74 करोड़ 61 लाख शेयर्स हैं, बड़ा शेयर होल्डर है। LIC 25 करोड़ शेयर्स हैं LIC के पास, आपको यकीन नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास 8.5 करोड़ शेयर्स हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें HDFC म्यूचुअल फंड, देखिए कितने शेयर्स हैं, 12 करोड़ शेयर्स है HDFC म्यूचुअल, SBI म्यूचुअल फंड 9 करोड़ 10 करोड़ शेयर्स हैं। तो ये बड़े बड़े शेयर होल्डर यहाँ पे, ICICI प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये बड़े फंड हाउसेज है, ICICI प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड, तो देखिए आप खुद कितना इन्वेस्ट इन्होंने कर रखा है इसमें। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, आपकी अपनी राय कि आप क्या सोचते हैं इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। आपको इन्फोसिस में क्या अच्छा लगता है, डिविडेंड अच्छा लगता है, बोनस अच्छा लगता है, या फिर शेयर का बायबैक अच्छा लगता है, वो भी बताएं कमेंट के थ्रू। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।